इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। मैं हूं श्रेय शुक्ला, सत्यमेव जयते में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत्यमेव जयते यानी सत्य की हमेशा जीत होती है, और जीत तब होती है जब हम उस सत्य को समझ पाते हैं। बहुत छोटी सी बात, लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं देती कि हमारे आसपास इतना खजाना बिखरा पड़ा है कि हम उस खजाने को देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हम किसी और खजाने की तलाश में रहते हैं। आपको लग रहा होगा कि कहाँ खजाना बिखरा रहता है, कहाँ खजाना है, हमें तो आज तक मिला ही नहीं। सड़क पे शायद 2-4 रुपए का भी मिल गए हों, लेकिन सच्चाई है कि हमारे जो ज़िंदगी जीने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, वो खजाने की तरह हमारे इर्द गिर्द पड़ी हैं। हमने उसकी तरह आँख उठाकर देखा ही नहीं आज तक, और आँख उठाकर नहीं देखा और उसको समझा नहीं तो हमारे आज तक समझ में नहीं आती है। अगर आपको सच्चाई देखनी है तो छोटे बच्चे की आंखों में झांक के देख लीजिए, आपको एक खजाना मिल जाएगा, सच्चाई मिल जाएगी, उसकी डेफिनेशन मिल जाएगी, उसकी परिभाषा मिल जाएगी, आपको एक अनकही भाषा मिल जाएगी। सिर्फ अगर स्वार्थहीन हंसी देखनी हो तो बच्चे को तरफ देखिए, वो जब खिलखिला के हंसता है ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये होती है हंसी, और इस हंसी के पीछे भी एक सच्चाई होती है, है ना, बहुत प्यारी सी चीज़। आपको वफादारी देखनी हो तो प्रकृति ने हमें, ईश्वर ने हमें वफादारी के इतने सारे सबूत दिए हैं कि हमें कहीं किसी बड़े साधु महात्मा महंत इनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको आंखें खोलने की ज़रूरत है, आपको दिखेंगी। पशुओं की को आप देखिए, उनकी वफादारी देखिए। आपको महाराणा प्रताप का चेतक याद होगा, रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा याद होगा, और तमाम किस्से याद होंगे जिनमें कुत्तों ने अपने मालिकों की जान बचाई है और वफादारी के लिए कभी कभी अपनी जान भी कुर्बान कर दी है। तो ये इतने सारे किस्से हैं, इतनी सारी कहानियां हैं जो ईश्वर ने हमको दे रखी है, और ये बता रखा है कि आपको कहाँ से क्या मिल सकता है। अगर आपको शांति की तलाश है तो सिर्फ सुबह कोयल की कूक को सुनिए, आपको बहुत सारी शांति मिलेगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ईश्वर को समझना है, अगर आपको दुनिया को एक दूसरी निगाह से देखना है, यानी कि अगर आपको स्पिरिचुअल निगाह से देखना है, तो थोड़ी देर चांद को देखिए, सितारों को देखिए, आपको एक अलग दुनिया नजर आएगी और शांति भी लगेगी। तो इतनी सारे खजाने, में इसलिए कह रहा था कि ये इतने खजाने हैं जो आपके जीवन में स्फूर्ति, ऊर्जा और सच्चाई सब भर सकते हैं, लेकिन हमने इनको दरकिनार कर रखा है। तो इन छोटी छोटी सी चीज़ों को आप गौर करना सीखिए, आप आँखों को पढ़ना सीखिए, दिलों में झांकना सीखिए, तो आपकी जीवन बहुत ही प्यारा और सच्चा हो जाएगा। देश में शहरों और हाईटेक वेज हाईवेज पर सार्वजनिक शौचालय की कमी, उड़ीसा के मंत्री को हाईवे के किनारे करना पड़ा पेशाब। आखिर कब हम लोगों को दे पाएंगे सार्वजनिक शौचालय। देश में हर घंटे एक छात्र कर रहा है आत्महत्या, गृह मंत्रालय ने दी संसद में रिपोर्ट। आखिर हमारे युवा जिंदगी से दूर क्यों जा रहे हैं, एक परीक्षा में फेल होने को जिंदगी में फेल होना क्यों मान लेते हैं।
ये मुद्दा बेहद गंभीर है। गंभीर इसलिए है कि सिर्फ ना ही शर्म का मुद्दा है, बल्कि ये मुद्दा हमारी सुरक्षा, हमारी सेहत और हमारी संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। भारत सरकार जिलों को ODF घोषित करने में लगी है, यानी खुले में शौच करने से मुक्त जिले, जबकि हर दिन हम सड़कों के किनारे लोगों को यूरिनल यानी पेशाब करते हुए देखते हैं। आपको दरअसल 2 जनवरी को कुछ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें बीजू जनता दल के नेता उड़ीसा में खाद्य वितरण मंत्री सूर्य नारायण सिंह सड़क के किनारे पेशाब कर रहे हैं और उनकी कार के पास 2 गार्ड खड़े हैं। बाद में मंत्री जी ने सफाई दी कि नेशनल हाईवे पर यूरिनल्स की कमी है और इसी वजह से उन्हें खुले में पेशाब करना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि वो डायबिटिक हैं, इसलिए बार बार पेशाब लगती है जिसे वो रोक नहीं सकते। ऐसी ही एक घटना राधा मोहन के साथ हुई, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। उन्हें इमरजेंसी में सड़क के किनारे ही लघु शंका करनी पड़ी। ये घटनाएं एक बड़ी समस्या को सामने लेकर आती हैं। मंत्री जी जैसे तमाम यात्री हैं जो नेशनल हाईवे का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें तमाम ऐसे होंगे जो बीमार होंगे, यानी डायबिटीज़ होगी, महिला होती होंगी, बच्चे होते होंगे। ऐसे में सवाल यह है कि हम हाईवेज के किनारे सार्वजनिक शौचालय और यूरिनल्स का निर्माण क्यों नहीं करते। इतना ही नहीं, हम अपने शहरों में ऐसी व्यवस्था आज तक नहीं कर सके हैं कि आसानी से एक सार्वजनिक शौचालय मिल जाए। आखिर पब्लिक टॉयलेट के मामले में हम इतने पीछे क्यों हैं? तो ये है हमारा मुद्दा। है तो बहुत सड़क का मुद्दा, लेकिन है बहुत गंभीर और है भी बहुत सोचने वाला। एक तो खराब लगता है, भद्दा लगता है, दूसरा परेशानी का कितना बड़ा सबब है। अगर मंत्री जी हाईवेज पे लघु शंका करने चले जाते हैं तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, एक बायोलॉजिकल नीड है, वो आपको कहीं भी कैसे भी हो सकती है। लेकिन ये जो बायोलॉजिकल नीड है, ये बहुत बड़े सवाल पैदा करके जाती है कि हाईवेज तो बना दिए लेकिन हमने इस तरह के वहाँ पर शौचालय नहीं बनाए, जबकि हम कहते हैं कि हम भारत को शौचालय मुक्त कर देंगे। कैसे करेंगे जब हाईवेज पर ऐसी कोई योजना है ही नहीं? दूसरी बात, हर शहर, हर गली, हर नुक्कड़ पर आप एक तरह से एक अलग सी व्यवस्था में किसी को लघु शंका करते देख सकते हैं और अपनी बायोलॉजिकल नीड पूरी करते हुए देख सकते हैं, और वो पूरी गली किस तरह से महकती है मुझे भी बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद सोचिए, और कितना ख़राब लगता है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बहुत ही ख़राब है। मैं आगे इस पर चर्चा करूँगा कि क्यों ख़राब है। तो आज तक हम ये व्यवस्था नहीं कर पाए कि शहर के अंदर अगर किसी को यूरिनल जाना हो यानी पेशाब करने जाना हो तो ठीक से कहीं जा सके। कहीं पर नहीं, जहाँ पर बने हैं वहाँ टूटे फूटे हैं, इतनी बुरी हालत में है कि वहाँ जाने से बेहतर है कि आदमी कहीं अपने घर में जाए या किसी ऐसे अजनबी का दरवाज़ा खटखटा ले। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कोई अपने घर में घुस के आपको पेशाब नहीं करने देगा। तो जिम्मेदारी पड़ती है इसमें सरकार की, क्षमा कीजिएगा, सरकार की, और सरकार के साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कहीं ऐसी व्यवस्था हो तो हम सड़क पर इस तरह से खुलेआम प्रदर्शन ना करें, थोड़ा सा संयमित रहें। और इसी खबर का आज इन्वेस्टिगेशन करते हैं हम कि स्वच्छ हाईवे योजना क्यों नहीं बनी। स्वच्छ भारत योजना के तहत ग्रामीण और शहरी इलाके दोनों आते हैं, इन इलाकों को जोड़ने वाली सड़कें शामिल नहीं हैं, स्टेट और नेशनल हाईवे के किनारे पर्याप्त शौचालय नहीं हैं, ढाबों, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप पे ही इस तरह की सुविधा मिलती है, लेकिन वो कितने साफ होते हैं आप सब जानते हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी महिला यात्रियों को होती है, महिला की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा मामला भी है, लेकिन हम इस ओर ध्यान नहीं देते हैं और ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश की जो हाई कोर्ट है कि दखल के बाद वहाँ शौचालय बने, यानी हर चीज़ में कोर्ट को दखल देना पड़ता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओर से कोई नीति तय नहीं की गई है। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग अवेयर हों, जागें, सवाल करें और सवाल ये करें कि ऐसा क्यों है। विधायक, सांसद बनवा सकते हैं सड़कों के किनारे सार्वजनिक शौचालय, लेकिन शौचालय बनाने से उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये वोट बैंक का सवाल होता है और सार्वजनिक शौचालय वोट बैंक को लुभाते नजर नहीं आते हैं। इन्वेस्टिगेशन में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि देश में सार्वजनिक टॉयलेट कितने हैं। स्वच्छ भारत योजना के तहत 2.56 लाख पब्लिक टॉयलेट बनने हैं। 30 नवंबर 2017 तक भारत में 2.43 लाख पब्लिक टॉयलेट बने, जबकि 37,133 पब्लिक टॉयलेट निर्माणाधीन है, ये रिपोर्ट्स कहती हैं। 2 अक्टूबर 2019 तक योजना का लक्ष्य हासिल करना है। 2.52 लाख सामुदायिक शौचालय बनाने का लक्ष्य है। अब इसकी अगर एनालिसिस करें तो सुलभ शौचालयों की
पहल किसने की? चार दशक पहले शुरू किया गया था एक अभियान, जब मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने के लिए अभियान चलाया गया था, तो ये हुआ कि दो गड्ढों वाला एक शौचालय बनाया जाए, ये विकसित हुआ। तकनीक सस्ती होने से इसको सुलभ शौचालय नाम दिया गया। 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की गई। ये प्राइवेट बात है, ये कोई सरकारी नहीं है। 1.5 करोड़ घरों में दो गड्ढों वाले सस्ते शौचालय बनाए गए। देश में करीब 8500 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया। सुलभ इन शौचालयों को संचालित भी करता था। सुलभ की पहल अच्छी, लेकिन ठेकेदार कर रहे थे इसको बेकार। ठेकेदार शौचालय की साफ सफाई नहीं करते थे, ध्यान नहीं देते थे, शौचालयों का मेंटेनेंस ना होने से बहुत बुरा हाल था इनका। और उसके बाद अगर हम रियलिटी चेक करें तो पब्लिक टॉयलेट का रखरखाव भी बहुत ज़रूरी है। सार्वजनिक शौचालय बन रहे हैं, लेकिन रखरखाव की कमी और गंदे और मानव संचालित शौचालयों से संक्रमण का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। बार बार संक्रमण होने से कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने से गुर्दों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर होने की आशंका है। ये रिपोर्ट्स कहती हैं कि अगर इस तरह के शौचालय में या कहीं खराब जगह आप जाएंगे तो सर्वाइकल कैंसर तक हो सकता है। इस वजह से भारत की छवि भी खराब होती है। आप सोचिए, अगर कोई विदेशी आपकी फ़ोटो खींच के जाए और हम लोग लाइन से अलग सी एक अवस्था में खड़े हों, एक ही मुद्रा में खड़े हों, तो वो फोटो हमारे देश की छवि खराब करती है। सार्वजनिक शौचालय ना होने से टूरिस्ट होते हैं परेशान, वो परेशान भी होते हैं, फिर फोटो भी खींचते हैं, फिर वो अपने देश में जाके दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पर टॉयलेट यानी शौचालय ऐसे हैं, और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर इस तरह की फ़ोटो हम लोग खींचते हैं और हमारा मजाक भी उड़ता होगा। गंदगी से भरे टॉयलेट भारत की छवि खराब करते हैं। एक भी सार्वजनिक टॉयलेट आपको साफ नहीं दिखेगा, आप खुद ही नहीं जाना चाहेंगे। सार्वजनिक शौचालय पर स्टाफ का सलूक भी ठीक नहीं होता। वैसे तो स्टाफ होता ही नहीं है। ऐसे शौचालय होते हैं जहाँ कुंडी पकड़कर आपको जो भी क्रियाक्रम करना है कुंडी पकड़कर करिए, वरना तो आप भरी महफिल में सब बदनाम हो जाएंगे। ये हालात महिला टूरिस्ट के लिए बेहद खतरनाक है। विदेशों में जैसे टॉयलेट हैं, वैसे भारत में ये दूर की कौड़ी है। भारत में दूर की कौड़ी इसलिए है क्योंकि जिस तरह के शौचालय विदेशों में हैं, हमारे यहाँ कोई विभाग ऐसा बचा नहीं होगा जो विदेशों का दौरा ना करके आया हो। कोई भी नेता ऐसा नहीं बचा होगा बड़ा जिसने विदेशों का दौरा ना किया हो, लेकिन उसने वो काम किया नहीं क्योंकि ये एक बहुत ही बेसिक नीड है। उस बेसिक नीड को हम आज तक पूरी नहीं कर पाए। ये शर्मिंदगी से भरा हुआ है, ये स्वच्छता को ठेंगा दिखाता है, ये भी बताता है कि हम कितने पिछड़े हुए हैं। तो इस बेसिक चीज़ पर हम लोग को ध्यान देना है और सरकारों को खास तौर पर ध्यान देना है। और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम सड़क पर कहीं जहाँ मौका मिले वहाँ खड़े नहीं हो जाएं, थोड़ा सा सब्र कर लें, आसपास देख लें, अगर कहीं शौचालय है तो वहाँ चले जाएं। तो थोड़ी सी अवेयरनेस आपको भी ज़रूरी है और सरकारों को थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जो प्रधानमंत्री मोदी का सपना है उसको पूरा करने के लिए 2019 में उन्होंने कहा है कि शौचालय मुक्त होगा, लेकिन यहाँ शहरों में शौचालय नहीं है और हाईवेज के लिए कुछ अलग से योजना बनानी पड़ेगी, वरना 100 किलोमीटर तक अगर शौचालय नहीं होंगे, अब लखनऊ और आगरा एक्सप्रेस वे है वहाँ पर आपको पीने को पानी नहीं है, तो शौचालय क्या करेंगे आप? तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और जल्द ही इसका निर्माण शुरू करें, तभी स्वच्छ भारत अभियान सच में स्वच्छता से भरा हुआ दिखेगा। अब हम बात करते हैं अपने बच्चों को हम कितना प्यार करते हैं। वो पढ़ने जा रहे हैं और प्रेशर में हैं, वो कॉलेज जा रहे हैं तो प्रेशर में हैं, इतने प्रेशर में हैं कि हर घंटे एक छात्र इस देश में खुदकुशी कर रहा है। ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, ये गृह मंत्रालय ने संसद में जो रिपोर्ट जारी की उसके अनुसार 2014 से 2016 के बीच 26,000 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। कारण अलग अलग हैं, लेकिन 7400 बच्चे ऐसे थे जो परीक्षा में फेल होने की वजह से आत्महत्या कर उन जिन्होंने की थी। सवाल यह है कि आज हमारे बच्चे हालतों से लड़ने के बजाय कायरता से भरा हुआ कदम क्यों अपना लेते हैं? क्या इसमें हमारी कोई गलती है या फिर समाज की? क्यों हमारे स्कूल कॉलेज में जो बच्चे जाते हैं वो खुदकुशी का रास्ता अपना लेते हैं? क्या हम इन्हें जाने से रोक नहीं सकते? बड़ा सवाल है कि 26,000 का एक फिगर, जो कि बहुत बड़ा फिगर है, वो फिगर को हम करके ज़ीरो नहीं कर सकते हैं, और ज़ीरो क्यों नहीं कर सकते हैं?
जीरो कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह के प्रेशर्स डेवलप किए जा रहे हैं, हर एक आदमी अपने बच्चे को अगर वो पढ़ने में तेज है तो वो सीधे आईएएस ही बन सकता है, फिर अगर वो गणित में बहुत अच्छा है तो वो इंजीनियर ही बन सकता है, चाहे उसका दिमाग कहीं और लगता हो, चाहे उसका दिमाग स्पोर्ट्स में लगता हो और या दूसरे क्षेत्रों में लगता हो, लेकिन जो पिताजी ने सोच लिया वो उसको घुट्टी की तरह वही पिलाते हैं, फिर उसके बाद प्रेशर क्रिएट होता है, फिर क्लास का प्रेशर क्रिएट होता है कि आपको फर्स्ट आना चाहिए था। तो 40 बच्चों में अगर सब फर्स्ट आ जाएंगे तो फिर 10th नंबर पे कौन बच्चा आएगा? ये गणित यहाँ पर गड़बड़ाती है। और जो लड़का फर्स्ट आता है वो लड़का शायद 10th आने वाले लड़के से ज़्यादा काबिल पढ़ाई में हो सकता है, हो सकता है उसका गिटार पे बहुत अच्छा ध्यान हो, म्यूज़िक बहुत अच्छा सुनता हो, म्यूज़िक बहुत अच्छा बजाता हो, और इसके अलावा वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो, लेकिन हमने वन डायरेक्शनल सोच रखा है। हमारे यहाँ इतनी असुरक्षा की भावना है ना हमारे देश में हमारे, कि अगर ये लड़का फर्स्ट नहीं आया तो फिर कुछ नहीं कर पाएगा, इस लड़के को टॉप के नंबर आने चाहिए, ज़रूर मेहनत करनी चाहिए, लेकिन सबकी अपनी अपनी अलग अलग फील्ड है, सबको अपने अपने रास्ते तय करने हैं। आप बच्चे को ये ज़रूर बताइए कि आप मन लगा के पढ़िए, लेकिन उसके आप टारगेट नहीं फिक्स कर सकते। अगर टारगेट फिक्स कर रहे होते तो बिल गेट्स का नाम आपने सुना होगा, तो बिल गेट्स के अंडर में तो पता नहीं कितने फर्स्ट क्लास काम कर रहे होंगे, तो अब आपको लगेगा मेरा बेटा बिल गेट्स बने या वो फिर जो फर्स्ट आए थे इंजीनियर्स वो उसके नीचे काम कर रहे हैं, तब आप सोचते हैं कि नहीं मेरा बेटा सचिन तेंदुलकर बने क्योंकि वो क्रिकेटर बहुत अच्छा है और करोड़ों रुपये भी कमाता है। तो हम लोग असल में भाग रहे हैं भौतिकवादी सुखों की तरफ, बच्चे को भी वही सिखा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि युवा कर रहे हैं क्यों खुदकुशी, बच्चे क्यों खुदकुशी करते हैं। 2014 से 16 के बीच 26,000 छात्रों ने खुदकुशी कर ली, बहुत ही सोचने की बात है और बहुत दुख का विषय है, और ये पहलू सोचने का है हमारे आपके सबके लिए, सरकारों के लिए और घर के लिए भी। औसतन हर दिन 24 युवाओं ने खुदकुशी की है, मतलब हर घंटे एक युवा अपनी जान दे रहा है और हमें समझ नहीं आ रहा है। संसद में गृह मंत्रालय ने ये आंकड़े पेश किए हैं, 2016 में 9,474 छात्रों ने आत्महत्या की, 2015 में 8,934 छात्रों ने खुदकुशी की, 2014 में 8,068 छात्रों ने खुदकुशी की, मतलब 3 सालों में लगातार ये टेंडेंसी बढ़ रही है। ये घटनी चाहिए लेकिन ये टेंडेंसी धीरे 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 बढ़ रही है। इसकी वजह है, इसकी बहुत सारी वजह हैं अगर वजह देखें तो, लेकिन मैं एक इसका इन्वेस्टिगेशन में एक और चीज़ आपको बताऊंगा कि फेल होने पर खुदकुशी सबसे ज़्यादा होती है। 7,462 बच्चों ने परीक्षा में फेल होने पर खुदकुशी की, यानी सीधे तौर पर वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे होंगे, और अपमानित महसूस करने के साथ साथ उनको ये लग रहा होगा कि अब वो अपने पिता को क्या जवाब देंगे। और इनमें से अधिकतर छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग के हैं, यानी कि अगर उन्हें लगा कि अगर वो डॉक्टर नहीं बने, अगर वो इंजीनियर नहीं बने तो फिर उनका जीना बेकार है, क्योंकि माहौल ही ऐसा हमारे समाज में तैयार कर दिया गया है कि यही दो स्ट्रीम है, और वो जो प्रेशर है, वो जो अवसाद है, वो फिर बच्चे की जान ले लेता है। और आपके सामने आंकड़े हैं कि हमने इस देश में 26,000 युवा खो दिए हैं, अब बिलावजह खो दिए हैं, एक अनड्यू प्रेशर हमने क्रिएट किया है। और अगर हमने अनड्यू प्रेशर क्रिएट किया हुआ है तो इस अनड्यू प्रेशर का जो खामियाजा है वो इन आंकड़ों के सामने, ये आंकड़े आपको बताते हैं कि आपने क्या खो दिया। आपने देश में से 26,000 युवा खो दिए, और एक घंटे में एक युवा खो रहे हैं आप। लेकिन अगर हम बात करें सफल लोगों की, तो मैं बताता हूं कि ये लोग कितने सफल थे। महात्मा गांधी 32 साल तक आजादी की लड़ाई लड़ते रहे, ये क्लास में फर्स्ट नहीं आए थे, भारत को आजाद कराया था, राष्ट्रपिता कहलाए थे, लेकिन ये औसत दर्जे में पढ़ते थे, औसत छात्र थे। तो ये वो तस्वीर है, इनका नाम अमर है, इतिहास में इनका नाम अमर है, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी। ये मैं उन बच्चों को भी बताना चाहता हूँ कि इन्होंने हार नहीं मानी और आज़ादी दिलाई। अब मैं एक और नाम ले रहा हूँ, हेनरी फोर्ड का। आप देखिए, हेनरी फोर्ड हैं, शुरुआत में इन्होंने 2 कंपनियाँ बनाई थी, फेल हो गई थी, हेनरी रुके नहीं, और कार बाजार में फोर्ड ने क्रांति ला दी उसके बाद।
फोर्ड कंपनी आज कार की एक सफलतम कंपनी है, हेनरी फोर्ड ने स्थापित की थी। अब्राहम लिंकन, इतना बड़ा नाम जो पूरे विश्व में इतिहास में अमर है। 1832 में नौकरी छूटी, फिर इलेक्शंस लड़े, वहाँ पर वो फेल हो गए, उसके बाद बिजनेस में फेल हुए। इनकी एक फियांसी थी, वो मर गई, डिप्रेशन में बने और डिप्रेशन में रहे, और 54 ईयर्स में अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। यानी कि ये उनके लिए भी सीख है, जो लोग अवसाद करते हैं और जो लोग जंग हार जाते हैं। नेल्सन मंडेला 27 साल तक रंगभेद नीति के लिए जंग लड़े। मंडेला ने इस जंग में आधी जिंदगी जेल में गुजारी। ये नेल्सन मंडेला हैं, अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। बिल गेट्स, जिनका अभी मैं जिक्र कर रहा था कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं ये, और बिल गेट्स ने हार्वर्ड कॉलेज में बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। पहले शुरुआती बिजनेस में अपनी पूरी तरह असफल रहे। आइंस्टीन, इनको कहा गया कि आपको अपने बच्चे को ले जाइए, इनकी माँ को कहा गया, उनको स्कूल से निकाल दिया गया था। अब फॉर्मूले वही लोग पढ़ रहे हैं इनके, जिनको स्कूल से निकाल दिया गया। वॉल्ट डिज्नी, इनको कहा गया कि था कि ये क्रिएटिव नहीं है। इनको ये बताया गया था कि आप कल्पनाशील नहीं है, और आज वॉल्ट डिज्नी सबसे बड़ी दुनिया है। थॉमस अल्वा एडिसन, पहली दो नौकरियों से निकाल दिए गए, फिर उन्होंने उसके बाद अपना लोहा मनवाया दुनिया भर में। विंस्टन चर्चिल, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले। इनकी सबकी संघर्षों से भरी हुई दुनिया है, और आप लोग इन सबकी बुक्स पढ़िएगा जरूर। जिनको लगता हो कि यहाँ पर थोड़ा सा हमें अवसाद है, थोड़ी सी हमें दिक्कत है, ये सब वो नाम है। स्टीवन स्पीलबर्ग, इनको भी ट्रेनिंग, जो फिल्म ट्रेनिंग सेंटर होता है, वहाँ से निकाल दिया गया था। कहा था कि आप उस लायक नहीं कि आपको इंस्टीट्यूट में दाखिला दिया जाए। चार्ल्स डार्विन, कितना बड़ा सिद्धांत दिया चार्ल्स डार्विन ने, कहते थे आलसी हैं। इन सबकी बुक्स पढ़िए, जीवनी पढ़िए, अगर आप साथ में हो, अगर आपको लगता हो कि कहीं हार रहे हैं। टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, ये शुरुआती क्लास में फेल हो गए, बाद में टैगोर देश का गर्व साबित हुए। तो आप ये देखिए कि किस तरह से हम कहानियां बना सकते हैं, किस तरह से हम इतिहास बना सकते हैं। जब हम कहानियां और इतिहास बना सकते हैं, तो ऐसे लोगों को आपको ज़रूर एक बार पढ़ना चाहिए, हारना नहीं चाहिए। और जो स्ट्रेस बस्टर का काम पढ़ाई भी कर सकती है, वो स्ट्रेस बस्टर का काम कैसे एक बहुत ही सरल तरीके से होता है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और शायद ये एक बहुत बड़ी सीख दे के जाए। ये देखिए, ये किस तरह से पहाड़े याद हो रहे हैं। आपने कभी देखा है कि नाचते हुए पहाड़े याद हो रहे हैं? मतलब यहाँ तो मास्टर साहब छड़ी लेके और डांट डांट के, डरा डरा के पहाड़े याद कराते हैं, लेकिन ये तस्वीरें, शायद ये तस्वीरें बहुत सारे स्कूल के टीचर्स देख रहे होंगे, शिक्षा विभाग देख रहा होगा। देखिए किस तरह से बच्चे पहाड़े याद कर रहे हैं, और ये दृश्य बहुत अच्छा है। और ये जो कहानी है ना, ये देखिए कैसे गोला बना के, कोई ये ऑस्ट्रेलिया से सीख के नहीं आए हम, ये इन्होंने अपने से याद कर लिया है। ये ताली बजा बजा के बच्चे पहाड़े याद कर ले रहे हैं। और अब बात करते हैं सत्यमेव जयते के इम्पैक्ट की। सत्यमेव जयते में हमने मसला उठाया था कि स्कूलों में स्वेटर देने का, और सरकार ने उसका संज्ञान लिया है। हमने अपील की थी कि इसके लिए अभी तक तय प्रक्रिया के अलावा दूसरा रास्ता निकाला जाए, ताकि बच्चों को जल्दी से स्वेटर वितरित किए जाएं। योगी सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है, स्कूलों में स्वेटर बांटने की मंजूरी दी है उन्होंने, और ये भी कहा है कि सरकार नहीं, प्रबंधक बांटेंगे स्वेटर। विद्यालय की प्रबंध समिति स्वेटर खरीदेगी और इसे बांटेगी। बार बार टेंडर कराने से देरी हो रही थी, ठीक वही बात सरकार ने कही जो हमने सत्यमेव जयते में आपसे कही थी। और अब आप बात करते हैं सत्यमेव जयते में, जौनपुर के उस होनहार की, जिसने वो कारनामा कर दिखाया जिससे
न सिर्फ जिले का बल्कि देश का नाम भी रोशन हुआ है। जौनपुर के लाल शुभम अफ्रीका के जाम्बिया में हो रहे अंडर 19 अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल्स में मॉरिशस को हराकर अपने देश को गौरवान्वित करते हुए इन्होंने मेडल हासिल किया है। आप देखिए इस हीरो की ये रिपोर्ट। जौनपुर जिले के किराकत थाना के सोहली गांव में इन दिनों खुशियों का माहौल है। खुशियां आखिर हो भी क्यों ना, इस गांव के लाल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का नाम रोशन किया है। देवेंद्र प्रताप के होनहार बेटे शुभम ने अफ्रीका के जाम्बिया देश में हो रहे अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के अंडर 19 के फाइनल में मॉरिशस को हराकर स्वर्ण पदक जीतकर अपने परिवार और अपने जनपद का नाम रोशन किया है। पिता देवेंद्र प्रताप अपने बेटे की इस कामयाबी से फूले नहीं समा रहे। बचपन से इसका खेल में रुझान था, इसलिए उसमें डाला और साकार हुआ। मेहनत किया उसने और इस मुकाम तक पहुंचा, तो बहुत ही खुशी है इसके लिए और आगे तरक्की करे हम लोग की आशा है। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे शुभम के परिवार के लोगों ने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि उनका बेटा इस मुकाम तक पहुंचेगा, लेकिन अब परिवार वालों की खुशियों का ठिकाना नहीं। बचपन से रुचि थी इसकी खेलने में। कभी आपने सोचा था आपका बेटा? नहीं सोचा तो नहीं था। तो आज आपका बेटा गोल्ड मेडल बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। गोल्ड मेडल लेकर घर पहुंचे शुभम का कहना है कि अगर घर वाले साथ न देते तो आज वो यहां तक नहीं पहुंच पाते। उनका सपना है कि वो देश के लिए 2020 में ओलंपिक में खेलें और गोल्ड मेडल लेकर अपने देश का नाम रोशन करें। आजकल के जमाने में सब लोग को क्रिकेट बहुत पसंद है, बहुत लोग क्रिकेट खेलते हैं, पर मेरा भी क्रिकेट में मन था, लेकिन यहाँ पर स्टार्ट किया, क्रिकेट भी खेला, बैडमिंटन भी खेला, कबड्डी भी खेला, बहुत से गेम खेला, पर बैडमिंटन में जब मैंने साइना को देखा फर्स्ट टाइम तो बहुत अलग से अट्रैक्शन हुआ। गोल्ड मेडल जीतने के बाद किसको खुशी नहीं मिलती है, लेकिन मैंने अपने ये गोल्ड मेडल अपने पापा मम्मी को देना चाहता हूँ, जो उन्होंने मुझे बचपन से बहुत सपोर्ट किया है खेलने के लिए दिया बस। शुभम ने अपनी मेहनत से वो हासिल कर दिखाया है जिसे छोटे शहर में रहकर सोचा भी नहीं जा सकता। शुभम की सफलता लोगों के लिए मिसाल है और उन लोगों के लिए प्रेरणा भी है जो जिंदगी में बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन हालातों के आगे हार जाते हैं। देश का नाम रोशन करने वाले शुभम को सत्यमेव जयते का सलाम। ये आपने देखा होगा, ये हैं रियल हीरो और ये किसी क्लास में फर्स्ट नहीं आए, लेकिन इन्होंने पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन किया है और ये बैडमिंटन प्लेयर हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये देश को रिप्रेजेंट करेंगे और सीनियर लेवल पर भी हमारे लिए गोल्ड मेडल लाएंगे ओलंपिक में, एशियाड में। तो अलग अलग प्रतिभाएँ हैं, उन प्रतिभाओं को पहचानना हम लोग को सीखना चाहिए और पहचानेंगे तभी ये हीरे और तराशे जाएंगे और फिर पूरे विश्व में जगमगाएंगे। हम बात कर रहे थे शुरुआत में कि हम लोग पूरे देश को साफ सफाई और स्वच्छ कैसे बनाएं। हम लोग पूरे देश से निकलकर कई बार बाहर भी जाते हैं और वहाँ का दौरा करते हैं, सरकारें भी जाती हैं, डेलीगेशन जाते हैं, और जब डेलीगेशन जाते हैं तो फिर वहाँ पर बड़ी अजीबोगरीब सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये टोक्यो की तस्वीर है जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आदमी कैसे रिफ्रेश हो जाता है। उसने कुछ कॉइन डाले, उसके बाद वो कॉइन डालने के बाद वो यहाँ पर रिफ्रेश हो रहा है, वो नहा रहा है। यहाँ पर टॉयलेट यूरिनल जाने के वांदे पड़े रहते हैं, परेशानी होती है। और आप देखिए ये क्या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इतने सारे पड़े हैं कि अगर इस तरह की अगर टॉयलेट्स बनाए जाएँ तो बहुत इस्तेमाल किए जा सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं लोग। ये सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ कि हम लोग सिर्फ बातें ही ना करें, हम लोग सिर्फ यही ना कहें कि हमको जापान बनाना है, टोक्यो बनाना है। हम लोगों ने संसद में और विधानसभा में कई बार इस तरह के भाषण सुने होंगे, लेकिन अगर सच में बनाना है तो इन ऐसी चीज़ों पे गौर भी करना चाहिए कि कम से कम कहीं से तो शुरुआत हो। तो ये तस्वीर दिखाने के पीछे मेरी मंशा ये थी कि आपको दिखाऊँ कि किस तरह से हम बीमारियों को न्योता दे रहे हैं और जो देश हैं जापान जैसे जो देश हैं वो कितनी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हम इन सब तस्वीरों को देखेंगे और देखने के बाद सरकारों से सवाल करेंगे
कि हमें भी ऐसी सुविधा चाहिए, हम भी टैक्स देते हैं और उसी टैक्स से देश चलता है। और अगर आपको इस चीज़ में कोई दिक्कत हो तो फिर तमाम तरह के सॉल्यूशंस भी होते हैं। ट्रिपल पी परियोजना होती है जो प्राइवेट और जो सरकार है वो लोग मिल के बनाते हैं। तो तमाम योजनाएं हैं, बस आपके अंदर एक मादा होना चाहिए और आपके अंदर एक सोच होनी चाहिए, जिस सोच की अभी लगता है कि अभी उतनी कमी नहीं है पब्लिक को लेकर, उतनी कमी है पब्लिक को लेकर। पब्लिक के बारे में हम कम सोचते हैं, लेकिन जिस तरह से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है ये नो डाउट बहुत अच्छा अभियान है, जिसमें बच्चों को ये बताया जाता है कि किस तरह से स्वच्छ रहें और बच्चों में परिवर्तन भी आ रहा है। बच्चे परिवर्तन घर में खुद करवा रहे हैं कि आप डस्टबिन रखिए, गीला वाला यहाँ रखिए, सूखा वाला यहाँ रखिए। तो बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आ रहे हैं जो मैंने खुद महसूस किए, मुझे आके लोगों ने बताए हैं। तो ये एक अच्छा कदम है, लेकिन अच्छा कदम ये तब पूरा होगा जब 130 करोड़ हिंदुस्तानी इसको एक तरह से एक रिलीजियस चीज़ लेकर आगे चलेंगे, यानी कि एक साथ सब कदम बढ़ाएंगे। ये नहीं कि आधे आधे पीछे रह गए आधे आगे चले गए, तो वो सपना नहीं पूरा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे स्वच्छ देश का सपना पूरा हो और जो हमारे देश की छवि पूरे विश्व में बने वो साफ सुथरी और स्वच्छ छवि बने। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। और अगर आप अपना राय देना चाहते हैं तो मुझे फेसबुक, ट्विटर और जीमेल के ज़रिए अपनी राय भेज सकते हैं और बता सकते हैं कि हम किन मुद्दों को और उठाएं और कौन कौन से मुद्दे आपको ज़रूरत है, जो कि आपको लगता है कि ये मुद्दे सरकार तक पहुंचने चाहिए। नमस्कार।